सब अपनी अपनी पोजीशन पर रेडी रहना। बेवड़ी समीरा। सर क्या सर? नहीं नहीं तुम्हें नहीं। ओके सर। लगता है शुगर लेवल फिर से कम हो गया। टैबलेट्स खाने के बाद कुछ खा लेना चाहिए। ये लड़की तो अकेले में कोई दवा खा रही है। दवा नहीं है, ड्रग्स। ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है? चाल बदल जाती है। ओहो, ये चाल है वाकई कमाल। असर हुआ है? मुंह फाड़ के हंसेगी। ये तो हंस पड़ी। अब आगे? अजीब हरकतें करेगी। हाँ मुंह तो बनाया। ड्रग्स लेने से लोग इतने गिर जाते हैं? इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। मतलब सिगरेट और शराब के? सीढ़ी से गिरने की बात। ओह। अगर ये किसी को बताना होगा तो क्या कहेंगे? यही ना कि लड़की नीचे गिर गई, राइट? हाँ। फिर लोग पूछेंगे किसके लिए, या अगर कहेंगे कि बेचारे का पैर फिसल गया तो कहेंगे किसके साथ? सुनने में बहुत वल्गर लगेगा ना? एकदम वल्गर लगेगा। इसीलिए प्लीज मत कहना। नहीं कहूंगा। समीरा? हाँ? तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना सीढ़ियों से गिर गई। टेक केयर बेटा। या एक झूमर लगाएंगे। हाँ? तुमने ही बताया ना। सच बताओ, तुम उससे क्या गुटर कर रहे थे? अरे ऐसे ही, हम यहाँ शादी करवाने आए हैं, अपनी सेटिंग करने नहीं। बात तो सुनिए, वो सीढ़ियों से गिर गई, पता है? बेचारी सीढ़ियों से नीचे गिर गई। हाँ। इसको बताया तो उन्हें कैसे पता चला? फ्लैशबैक खत्म नहीं हुआ तो जरा जल्दी बोलो ना। तुम दोनों यहाँ काम छोड़ के टाइम पास कर रहे हो क्या? अरे वो बेटे की तो समीरा है ना, उसका क्या? वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बेटी। हाँ जी। तू सीढ़ियों से गिर गई थी ना, हमें तुझे बाम लगा देती हूँ। वहाँ मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया है और आप यहाँ खड़े गप्पे लड़ा रहे हो। अरे वो हमारी पल्लव की दोस्त समीरा है ना, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बाप रे। और किसी को पता है ये लड़का कौन है? कौन वहाँ जो है? कम 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 जल्दी। क्या किया उसने? इरिटेट कर दिया यार। थैंक गॉड मैं बच गई। इसीलिए मैंने योगेश के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी और उस लड़के से सगाई तोड़ दी। तेरी उससे सगाई टूट चुकी है? कोई गलती की? एक्चुअली तूने तो बहुत अच्छा किया यार। समीरा जी। मैंने ऐसा क्या किया जो आप इरिटेट हो गई हैं? तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? तो तुम्हें कैसे पता चला हमारी क्या बात हुई? अपने फोन की जगह आप मेरा वॉकी टॉकी ले गई थी। समीरा जी। नाइस ड्रेस। थैंक यू सर। इतना चहकने की जरूरत नहीं है, काम पर ध्यान दो। सॉरी सर। कल पूल लेने के लिए हमने 10 गांव नाप लिए, लेकिन जब फॉरेन विस्की चाहिए थी तो एक ही गांव में 10 मिनट में मिल गई। वाकई इंडिया बहुत डेवलप हो गया यार। रुको रुको रुको। छटा फ्लू आ रही है, गला गीला कर लेता हूँ। बहुत चढ़ा रखी है क्या? आज कम चढ़ाई है, जब तक गले के अंदर शराब नहीं उतरती बैटरी डाउन रहती है। अरे सर। हिला दिया। 2 ml घटकने के बाद कैसा लग रहा हूँ? वाओ, व्हाट अ मेडिकल मिरेकल। कुदरत का अजूबा है आप सर। ऐसे ही मैं कई मिरेकल्स दिखाऊंगा, मुझे साथ ले चलो। मिरेकल्स देखने के लिए कहाँ ले जाना होगा? पल्लवी नाम की लड़की की शादी में जाना सर, है। पल्लवी की शादी तो हम ही करवा रहे हैं। हाँ, बैठ लग खराब है, चलो बैठो। वैसे पल्लवी से आपका क्या रिश्ता है? छोटे भाई की बेटी। यस माई ओन ब्रदर्स डॉटर। तो आपको लेने क्यों नहीं है? इस तरह रास्ते भी क्यों छोड़ दिया? मेरे और मेरे भाई के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं है भाई। ओ हो। क्या हुआ सर? मेरे बाप ने 150 एकड़ जमीन हमारे नाम की। हम साथ में बिजनेस करते थे, बिजनेस में नुकसान हुआ, हमने प्रॉपर्टी बेचकर कर्ज उतारने का सोचा। 75 एकड़ जमीन को बेचने के लिए हमने रजिस्ट्रार को बुलाया। जब मैंने अपने भाई को साइन करने के लिए कहा तो उसने कहा आपकी 75 एकड़ जमीन के लिए साइन की क्या जरूरत है।
अगर सब सुनते ही तुम्हारे 12 बज गए तो सोचो मेरे 13-14 बज गए होंगे ना। आपके बच्चे नहीं है? एक बेटा है ना। हाँ, तो आप उसे यहाँ क्यों नहीं लेकर आए भैया? अजय कैसे हो भाई? पिछले 2 दिनों से हम दोनों आप ही की बात कर रहे थे। अजय मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ मेरा दिल तो यही है। हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? वो शराब के बिना ज्यादा देर नहीं रह सकते। इतना पैसा मिलने के बाद वो ऐसी जगह पर रुकेंगे? वो ऐसी ही जगह पर होंगे, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। हेलो, आपने इस आदमी को देखा है? नहीं देखा है। हेलो, इस आदमी को कहीं देखा है? देखिए आदमी नहीं, मैंने नहीं देखा, उधर जाके पूछिए। शुगर लेवल कम हो रहा है, मैं टैबलेट्स नहीं लेकर आई। मुझे डबल क्यों दिखाई दे रहा है? लगता है मैंने कम चढ़ा रखी है, अर्जेंटली एक क्वार्टर मारनी पड़ेगी। ए सुबह लक्ष्मी, ये कोई आइटम नंबर है जो तुम देख रही हो? इसे ये दिख गया तो मुझे बताया क्यों नहीं? टेंशन को पेंशन दे और ठंड रख, वो कहीं नहीं जाने वाला, इस तरफ ही आने वाला है। उधर डेड एंड है और इधर दी एंड। मैं तो कहता हूँ सूटकेस छीन लो, तुम वैसे भी अखाड़े में कूद पड़े हो। हाँ ये केबीसी में 5वां ऑप्शन कहाँ से आ गया? शुगर कम होने की वजह से कम दिखता है, लेकिन पहली बार कोई उड़ता हुआ दिख रहा है। परमजीत सिंह तेरी मेरी धुलाई बाद में कर लेना, पहले ये मैटर सेटल करो। ये जिंदगी में बहुत ऊंचा चला गया। वेलकम टू इंडिया। तुम लोग भी मेरी तरह उड़ के आ गए क्या? हम कहीं नहीं गए, तुम यहाँ से यूं गए और यहीं वापस आ गए। सूटकेस मुझे दो। नहीं दूंगा, मारना मत, मैं मर जाऊंगा। मैंने ऐसे मामले सेट करने के लिए एक बेटा पैदा किया है, तुम लोग आपस में निपट लेना। ये ले पकड़, कैच। शादी कब कर रहे हैं? कोई ट्रैफिक में ये बातें पूछता है क्या? पहली बार तुमने मुझे सीक्रेट के साथ देखा। जिस लड़की ने सगाई तोड़ी उसी का मंडप सजाया। लो शुगर होने के बावजूद मुझसे इतना प्यार किया। हमारी लव स्टोरी तो सबसे बहुत अलग है। समझ गया। घर आके मेरा हाथ मांगो। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। करेक्ट, ऐसे मामलों में फैसले सोच समझ कर करने चाहिए। आज सोचो और कल आ जाओ। बहुत टाइम दे दिया सुबह लक्ष्मी। समीरा। ओके समीरा जी। ओ सर, मैं रख देता हूँ, मैं रख देता हूँ। इस तरह ताली बजा के मेरी मत बजाओ प्लीज, घबराहट होती है। तो नई नौकरी का इंटरव्यू कैसा रहा? काहे का इंटरव्यू सर? पुरानी नौकरी छोड़ के नई नौकरी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? मैंने छोड़ दी कहूंगा तो एटीट्यूड लगेगा। उन्होंने मुझे निकाल दिया सर। ये तो सत्यमूर्ति की कंपनी है ना? हाँ वही, वो तो बड़े अच्छे लोग। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। अगर तुम उनके साथ काम नहीं कर पाए तो दूसरों के साथ खाक काम करोगे। माफ करो भाई, ये लो अपनी फाइल और जाओ यहाँ से। अरे जाओ। तुमने तुम्हारी पुरानी नौकरी छोड़ी या तुम्हें निकाल दिया गया? कल नौकरी छोड़ने की बात की तो मुझे गेट आउट कर दिया। वो मैंने खुद ही छोड़ दी क्योंकि मैं आपकी तरह बड़ा बनना चाहता हूँ। वो परिवार मुसीबत में है और तुम उनको छोड़कर मेरे पास आ गए, तुम पर कोई कैसे भरोसा करेगा? यहाँ से सीधा जाके दाएं मुड़ जाओ। उसी रास्ते आया था सर। हाँ वहीं से निकल जाओ। नौकरी छोड़ी बोला तो भी गेट आउट किया, और निकाल दिया बोला तो भी निकल जाओ बोला। सर आपसे एक बात पूछूं, पल्लवी की शादी कराने ऊटी गए थे, समीरा से शादी करने के लिए वो गांव का नाम क्या है? रेडी रापट्टी। कौन सी रापट्टी? होगा यार कुछ। हाँ ठीक है, अभी पटरी से मत उतरो। हम लोग देश के बाहर क्यों नहीं निकल जाते? तुम्हें देखते वीजा कैंसिल कर देंगे। क्या मिर्ची लगी क्या? एक मछली को प्यास, नौकर को मालिक के गद्दे पे नींद, और मुझ जैसे को मिर्ची लग के भी लग नहीं सकती। मजाक में 4 स्टेशन निकल गए। वेरी गुड रियलाइजेशन। ट्यून मस्त है ना? बकवास है। चेंज करो। बस करो, स्टॉप करो, सो स्टॉप, सो जा। हम यहाँ देवराज
दादा अंदर है, आ जाओ। बाहर क्यों है यार? उसने तो कहा था ये बहुत सीधा आदमी है, फिर इतने बड़े दरवाजे और सिक्योरिटी क्यों? सर, मंदिर और जेल दोनों के दरवाजे बड़े होते हैं। उस गुंडे देवराज का घर पास में ही है। ये उसके जीजा का घर है। सीधे अंदर चले जाओ। मेरी उससे बात हो गई है, वो दो दिन में माल लाएगा, मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। मुंबई से आए हैं। रमेश ने आपको बताया होगा ना? दरअसल हम वो जमीन के बारे बीच में से बताओगे तो कैसे पता चलेगा? वो क्या है ना सर, मोहन कुमार मिश्रा जो मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, आप तो उन्हें जानते ही हैं ना सर। मेरे पिता ने उन्हें एक प्रॉपर्टी बेची थी, आपके साले देवराज अब उसे ऑक्यूपाई कर बैठे हैं। उस दो टके के गुंडे को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो, और वो भी इंग्लिश में बोल के? ऑक्यूपाई, कब्जा किया है। उस लुच्चे आदमी ने अपना बोर्ड तक डाल दिया है। ब्लडी यूज़लेस फेलो, बहुत बुरी मौत मरेगा वो, और मेरी हाय भी लगेगी। ए पर हाँ, अजनबियों के सामने हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ। ये उनके रिश्तेदार हैं, इन्हें बुरा लगेगा। देवराज कितना घटिया है, ये हमसे ज्यादा तो ये जानते होंगे, है ना सर? सर आप दिमाग पर इतना बोझ मत डालो। होल्ड दिस, हमने एक प्लान बनाया है। आप अपने साले से कहना कोई साइट लेना चाहता है और वो पेपर्स ले आना। हमने सुना है एक नंबर का डफर है, होगा कि उन्हें अंगूठा छाप जो है। हम ये नकली पेपर्स वहाँ रखेंगे और असली पेपर्स अपने साथ मुंबई ले जाएंगे। हम दोनों ने ये ब्रिलियंट आइडिया सोचा है। सॉरी, मुझे आपके सारे देवराज का नाम तो पता है, लेकिन आपका नाम दरअसल मैं नहीं जानता। अपना नाम तो बताओ सर। बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा जोक सुना है देवराज।